हाय गाइस, व्हाट्सअप, आई एम विशाल एडिट्स एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम ब्लैक टोन में फोटो को एडिट करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपको लाइटरूम चलाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप लाइटरूम चलाना सीख जाओगे। और मैंने इस फोटो का प्रीसेट भी बना के रखा हुआ है, अगर आपको वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैंने वहाँ पर उसे डाल दिया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, हमने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। इसके बाद हमें फ़ोटो में लाइट बहुत कम दिख रहा है, तो हमें फ़ोटो के लाइट को थोड़ा सा परफेक्ट करना है। इसके लिए हमें एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाना है। एक्सपोजर को बढ़ाने के बाद हमें कॉन्ट्रास्ट फ़ोटो में बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, +10 कर देना है। इसके बाद हाईलाइट फ़ोटो में बहुत ज़्यादा है, ये पीछे आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, -16। इसके बाद फ़ोटो में शेडो बहुत कम है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, +26। वो पीछे भी वाइट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, -6 कर लेते हैं वाइट को, और ब्लैक को +8 कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं कर्व पर। कर्व पर आने के बाद हमें ये वाइट को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद हमें इसे पॉइंट बनाने हैं। पॉइंट बनाने के बाद हमें इसको एस कर्व में करना है, तो इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे करना है, फिर इसको यहाँ से ऊपर करना है, इसको ऐसे एस कर्व में कर लेना है। एस कर्व में करने के बाद हमें ये ब्लू पर आना है। ब्लू पर टच करने के बाद हमें ऊपर से इसको थोड़ा सा नीचे करना है, इससे फोटो में वार्म टोन आ रहा है, और इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर करना है, इससे थोड़ा सा ब्लू टोन ऐड हो रहा है फ़ोटो में, इसका डन करना है। डन करने के बाद हमें आना है कलर पर। कलर पर आने के बाद ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल पर आने के बाद हमें ऑरेंज पर को सिलेक्ट करना है। ऑरेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमें सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करना है, -10, और लुमिनास को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इससे फेस का जो लाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। हमने लुमिनास को +21 कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं येलो पर। येलो पर आने के बाद हमें सेचुरेशन कर लेना है, -100। ग्रीन पर आना है, ग्रीन के सेचुरेशन करना है, -100। फिर से येलो पर आना है, येलो के ह्यू को हमको करना है +78। ग्रीन के भी ह्यू को कर लेना है 78। इसके बाद हमें आना है ब्लू पर। ब्लू के सेचुरेशन को थोड़ा सा प्लस करना है, +10। ह्यू को हम कर लेते हैं -14। डन करते हैं। डन करने के बाद हमें आना है इफ़ेक्ट पर। इफ़ेक्ट पर आने के बाद हमें टेक्सचर को करना है +8। क्लैरिटी कर देते हैं +6, और डीहेस को करना है -4। बिगनेट पर आना है, बिगनेट को हमें करना है -30। ग्रेन पर आना है, ग्रेन को हमें करना है +12। ठीक है, इसके बाद हमें आना है मास्किंग पर। ये मास्किंग का ऑप्शन है, इस पर आने के बाद हमें लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है। लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे से इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद लाइट को हमको थोड़ा सा बढ़ा ले, माइनस करना है लाइट को, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा +23। ठीक है, इसके बाद हमें इसको करना है डन। इसके बाद हमें आना है एडिट पर। एडिट पर आने के बाद वापस हमें कलर पर आना है। ये आपको कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमें मिड टोन को सिलेक्ट करना है। मिड टोन पर आने के बाद हमें सेचुरेशन को फुल कर देना है, +100, +100 कर देना है। इसके बाद ह्यू को फोटो के हिसाब से सेट करना है, जहाँ फोटो अच्छे लगे वहाँ रोक देना है। यहाँ पर फोटो थोड़ी ठीक लग रही है, फोटो में थोड़ा सा वार्म टोन आ रहा है, इसको फ़ोटो के हिसाब से सेट कर देना है, हमें ज़्यादा भी नहीं करना है, इतना ठीक है, 43। ठीक है, इसके बाद हमें वापस आना है हाईलाइट पर। हाईलाइट के सेचुरेशन करना है +100, और इसको रखना है यहाँ पर +56, और सेचुरेशन को फ़ोटो के हिसाब से सेट कर देना है +34। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, डन करना है फ़ोटो को। फिर लाइट पर आना है, और लाइट पर आने के बाद एक्सपोजर को थोड़ा सा प्लस कर लेना है, और कॉन्ट्रास्ट को भी +12। फ़ोटो बहुत अच्छे से एडिट हो चुकी है, और मैंने इसका प्रीसेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।